अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास, इसमें आपको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देखिए प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के डायगनल्स की कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब देखिए करेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास, आपने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, देखिए पैरेललोग्राम आपके पास ए बी सी डी, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसके दो डायगनल्स होंगे, पहला डायगनल ए को आपने सी से ज्वाइन किया, दूसरा डायगनल बी को आपने डी से ज्वाइन किया, तो दो डायगनल्स आपके पास। अब देखिए मुझे ये शो करना है कि ये डायगनल एसी और ये डायगनल बीडी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर, मतलब दो डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर, तो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब टू शो मैंने करना है कि ए ओ ओ सी के इक्वल है, मतलब ए ओ को ओ सी के ऊपर आना है और बी ओ ओ डी के इक्वल है। पर आ गए, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास AO को OC के ऊपर लेकर आना है, मतलब कुछ ऐसा कीजिए कि ये AO पलटकर कहां पर आ जाए, आपके पास OC के ऊपर आ जाए। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आइडिया ना शुरू हो गया है, और ये BO आपका OD के ऊपर आ जाए, या ये OD पलटकर OB के ऊपर आ जाए। तो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी, देखिए पैरेललोग्राम का मतलब ही है कि दो पैरेलल लाइंस, और दो पैरेलल लाइंस से जब इंटरसेक्ट होंगी तो आपके पास बनेगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए इसका मतलब ये आपको गिवन है कि आपकी जो डीसी वो पैरेलल है किसके, आपके पास एबी के, और जो एडी वो पैरेलल है किसके, आपके पास बीसी के, ये आपको गिवन है। लेकिन पैरेललोग्राम बन ही तब सकता है जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस को बाकी दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है। तो देखिए प्रूफ में, प्रूफ की शुरुआत हमेशा आप गिवन से करते हो, तो आपने लिखा AD पैरेलल है BC के। अब देखिए AD और BC से कोई Z बन रहा होगा जिसके अंदर के एंगल्स आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पता है होते हैं, तो AB और BC से Z कैसे बनेगा, गुड, AD BC, AD BC एक Z बन गया, इस Z के अंदर एंगल 1 और एंगल 2, तो देखो आपने लिखा एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास एंगल 2, इसका रीजन क्या लिखोगे गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, गुड। अब देखिए जो आपके पास BC है वो पैरेलल है AB के, तो देखो BC AB के पैरेलल है। अब आपको ये देखना है कि BC और AB से Z कहां पर बन रहा है, देखिएगा तो DC और AB से Z बनेगा आपका डी ए सी बी, देखिए इतना पहला जेड बन गया, तो देखिए आपने कहा डी ए सी बी, तो ये एंगल आपके पास एंगल 3 और ये एंगल आपके पास एंगल 4, तो देखो आपने क्या लिखा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसका मतलब आपके पास जो AD है वो इक्वल है किसके, आपके पास BC के, तो AD आपका BC के इक्वल है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD BC के इक्वल है। अब
इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड और दो एंगल्स, दूसरे ट्राइंगल की साइड और दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो आपके पास ए डी ओ ट्राइंगल, आपने लिखा ट्राइंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल, अब देखिए ट्राइंगल ए डी ओ लिया तो ए के सामने कौन आएगा आपके पास सी, क्योंकि आपका एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है, तो ट्राइंगल सी बी ओ, तो आपने कहा ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी ओ के, देखिए दो एंगल और एक साइड, तो आप क्या लिखोगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, और एडीबीसी के इक्वल क्यों था, गुड, ऑपोजिट साइड्स of a parallelogram, good, तो आपके पास ट्राइंगल ADO ट्राइंगल CBO के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्राइंगल ADO ट्राइंगल CBO के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो OB आपका आता है OB पर और OA आता है आपके पास OC पर, तो by CBCD आप लिख देंगे, और देखिए प्रूव हो गया आपके पास कि एक पैरेललोग्राम के ट्रायंगल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर, ट्राई कीजिए, पहले खुद कोशिश कीजिए, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा।